सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईडी जो है अपना शिकंजा कसती जा रही है। उन्होंने सुशांत की फॉर्मर मैनेजर श्रुति मोदी को भी आज ही पेश होने को कहा है कि आपको आज ही आना पड़ेगा और अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा अपडेट क्या हो सकती है श्रुति मोदी की इसमें भूमिका, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। श्रुति मोदी जो कि एक्स फॉर्मर मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, हालांकि वो रिसेंटली तक थी, उन्हीं को रिप्लेस किया था दिशा ने, और जो है उनका पैर टूट गया था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था, इस तरह का बयान उनके सुशांत के परिवार के वकील ने दिया था। अब जो है खबर आई है कि ईडी ने श्रुति मोदी को कहा है कि आपको आज ही पेश होना होगा, उनको आज ही ईडी के सामने पेश होना होगा और अपना बयान दर्ज कराना होगा। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने श्रुति मोदी को आज बुलाया है और सिद्धार्थ पिठानी को कल बुलाया है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। श्रुति मोदी उसको रिया लेकर आई थी, ये बात जो है स्मिता पारिक ने भी क्लियर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब घर गई एक बार सुशांत के, तो मुझे बताया गया कि अब श्रुति काम देखेगी और इनको रिया लेकर आई है। और ये हर कोई जानता है कि श्रुति मोदी को रिया लेकर आई थी। सुशांत के पिता ने जो FIR दर्ज की है उसमें भी श्रुति मोदी का नाम है, उसके खिलाफ भी FIR है। CBI ने जो FIR दर्ज की उसमें भी श्रुति मोदी का नाम है। ED भी अब श्रुति मोदी की जाँच कर रही है, कहाँ गए पैसे, कौन सी कंपनी में गए, किस तरह का काम चल रहा था, रिया ने क्या क्या कहा था, आपने कहाँ कहाँ पैसे ट्रांसफर होते हुए देखे हैं, कितने पैसे आए थे, आप सुशांत की मैनेजर थी, क्या डील्स हुई थी, कितनी फिल्में मिली थी, क्या कमाई थी, क्या डील होती थी, कितने में वो एक फिल्म करते थे। मैं आपको बता दूं कि सुशांत एक फिल्म का 8 करोड़ रुपया लेते थे, जो मार्केट से हमें पता चला है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज श्रुति मोदी का बयान ED दर्ज करेगी। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, ED श्रुति मोदी से आज पूछताछ करेगी।